अरुणाचल प्रदेश में चीनी सैनिकों द्वारा किए जाने वाली हाल ही में घुसपैठ की एक बड़ी वजह रही है एक जड़ी बूटी। इंडियन थिंक टैंक IPCSC ने हाल ही में जारी रिपोर्ट में यह दावा किया है। चीनी सैनिकों द्वारा कॉर्डिसेप्स चुराने की फिराक में भारतीय क्षेत्र में दाखिल हो जाते हैं। कॉर्डिसेप्स को हिंदी में कीड़ा जड़ी और आम भाषा में हिमालयन वियाग्रा भी कहते हैं। दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है टू फैक्ट चैनल पर। कीड़ा जड़ी मुख्य रूप से भारतीय हिमालय और दक्षिण पश्चिम चीन में किंघई तिब्बती पठार में काफी ऊंचाई पर पाया जाता है। इतनी ऊंचाई पर ट्री लाइन खत्म हो जाती है, यानी जहां के बाद पेड़ उगने ही बंद हो जाते हैं। मई से जुलाई में जब बर्फ पिघलती है तो इसके उगने या पनपने का चक्र शुरू हो जाता है। यह भारत, नेपाल और भूटान के अन्य भागों में पाया जाता है। न्यूज मैगजीन द वीक के मुताबिक इसे नेपाल और तिब्बत में यारसा गुम्बा कहते हैं। यह एक पोएटिक नाम है जिसका अर्थ उत्तराखंड में गर्मियों की घास, सर्दियों का कीड़ा और कीड़ा जड़ी है। चीन, भारत, भूटान और नेपाल के कई इलाकों में कीड़ा जड़ी की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। द वीक के मुताबिक इंटरनेशनल मार्केट में 1 किलोग्राम कीड़ा जड़ी की कीमत 65 लाख रुपए तक है, यानी यह सोने से भी महंगा है। 2009 तक इसकी कीमत 10 लाख रुपए के करीब थी। 2022 में कीड़ा जड़ी की मार्केट वैल्यू करीब $1,072.50 मिलियन यानी 107 करोड़ रुपए की आंकी गई है। चीन और भारतीय हिमालय वाले इलाकों में पारंपरिक चिकित्सक किडनी और नपुंसकता जैसी बीमारियों में इसका इस्तेमाल करते हैं। द वीक के मुताबिक कीड़ा जड़ी के फायदे के बारे में सबसे पहले 15वीं शताब्दी के तिब्बती औषधीय ग्रंथ एन ओशन ऑफ एफ्रोडिशियाकल क्वालिटीज में बताया गया है। सिक्किम में पारंपरिक चिकित्सक और स्थानीय लोग 21 अलग अलग बीमारियों में कीड़ा जड़ी का उपयोग करने के लिए कहते हैं। हेल्थ वेबसाइट वेरी वेल हेल्थ कीड़ा जड़ी को सप्लीमेंट के रूप में लेने के कई फायदे बताए हैं। कीड़ा जड़ी फौरी तौर पर शरीर की एनर्जी को बढ़ाता है, इम्यूनिटी बढ़ाने में काम आता है, सूजन कम करता है, इसमें नेचुरली एंटी कैंसर एजेंट पाया जाता है, दिल की सेहत के लिए फायदेमंद है, सेक्स ड्राइव को बढ़ाता है, मेमोरी को बढ़ाने में काम आता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल में रखता है। हालांकि हेल्थ एक्सपर्ट इसके फायदे के बारे में बहुत कुछ नहीं कहते, लेकिन वैज्ञानिकों को कॉर्डिसेप्स में पाए जाने वाले बायो एक्टिव मॉलिक्यूल कॉर्डिसेपिन से बहुत उम्मीद है। वैज्ञानिक कहते हैं कि इसमें बड़ी चिकित्सीय क्षमता है और यह एक दिन एक प्रभावी नए एंटीवायरल और एंटी कैंसर उपचार में बदल सकता है। हेल्थ वेबसाइट हेल्थ लाइन के मुताबिक चीन में पारंपरिक चिकित्सा में सदियों से थकान, बीमारी, किडनी इन्फेक्शन और सेक्स पावर को बढ़ाने के लिए कीट और फंगस के अवशेषों के प्रयोग की सिफारिश की गई है। चीन में कीड़ा जड़ी का इस्तेमाल प्राकृतिक स्टेरॉयड की तरह किया जाता है। फौरी तौर पर शरीर की एनर्जी बढ़ाने की क्षमता की वजह से चीन में ये जड़ी खासकर एथलीटों को दी जाती है। ये करामाती जड़ी 2009 में स्टुअर्ट गार्ड वर्ल्ड चैंपियनशिप के दौरान भी सुर्खियों में आई थी। चैंपियनशिप में 1500 मीटर, 3000 मीटर और 10000 मीटर वर्ग में चीन की महिला एथलीटों ने रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया था। इसके बाद उनकी ट्रेनर मा जुनरेन ने मीडिया में बयान दिया था कि यारसा गुम्बा यानी कीड़ा जड़ी को नियमित रूप से एथलीटों को खिलाया गया था, इसी वजह से महिला एथलीटों ने रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया है। हेल्थ लाइन के मुताबिक इस फंगस में प्रोटीन, पेप्टाइड्स, अमीनो एसिड, विटामिन B1, B2 और B12 जैसे पोषक तत्व बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। यह फौरन ताकत देते हैं, खिलाड़ियों के डोपिंग टेस्ट में यहाँ पकड़ा भी नहीं जाता। चीन कीड़ा जड़ी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। इंडो पैसिफिक सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन के मुताबिक पिछले 2 सालों में चीन के सबसे बड़े उत्पादक क्षेत्र किंघाई फंगस की कमी से कीड़ा जड़ी की फसल में काफ़ी कमी देखी गई है। हालांकि इसी दौरान बेस कीमती कॉर्डिसेप्स की मांग पिछले 1 दशक से तेजी से बढ़ी है। एक्सपर्ट के मुताबिक ज़्यादा डिमांड और लिमिटेड रिसोर्स की वजह से कीड़ा जड़ी की अधिक कटाई हुई है। इसी वजह चीन में 2018 से ही इसके उत्पादन में कमी देखने को मिली। इस दौरान 41,200 किलोग्राम कीड़ा जड़ी का उत्पादन हुआ, जो 2017 के मुकाबले 5.2% कम है। 2017 में इसका उत्पादन 43,500 किलोग्राम हुआ था। IPCSC के मुताबिक 2010 और 2011 में चीन की प्रोविंशियल मीडिया ने इसका उत्पादन 1.5 लाख किलोग्राम बताया था। किंघई में चीनी की कॉर्डिसेप्स कंपनियां हाल के सालों में स्थानीय लोगों को लाखों युआन का भुगतान कर रही हैं ताकि
कीड़ा जड़ी की कटाई के लिए पूरे पहाड़ों को बंद कर दिया जा सके। सर्वे से पता चलता है कि कीड़ा जड़ी की सालाना होने वाली फसल में गिरावट आई है। ज्यादा कटाई को इसके लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। IPCSC के मुताबिक हिमालय रीजन के कुछ क्षेत्रों में लोगों की जीविका का साधन ही कीड़ा जड़ी है। ये लोग पहले इसे इकट्ठा करते हैं और फिर इसे बेचते हैं। हिमालय और तिब्बती पठार में घरेलू आय का 80% सोर्स कीड़ा जड़ी है। जंगल में कीड़ा जड़ी काफी दुर्लभ है। वहीं अब तक लेबोरेटरी में हेल्दी कीड़ा जड़ी उगाना सफल नहीं रहा। इससे रिसर्च में काफी बाधा आ रही है। हालांकि चुंबलुक नेशनल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मी क्योंगली और डॉक्टर अयमन तुर्क समेत उनकी टीम ने ऐसी जगह पर इसे उगाया है जहां पर वातावरण को कंट्रोल नहीं किया गया। इससे कीड़ा जड़ी की रिसर्च को लेकर एक उम्मीद तो जगी है। इस रिसर्च के निष्कर्ष को फ्रंट लाइन इन माइक्रोबायोलॉजी में प्रकाशित भी किया गया था। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।